नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक भारद्वाज। आप देख रहे हैं हमारे चैनल टेक्नोलॉजी विद विवेक। आइए दोस्तों, आज का वीडियो लेकर आए हैं और एमपी के लोगों के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो नोटिफिकेशन आना था वो प्राइमरी स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का आना था। 2024 ऑनलाइन फॉर्म आ गए हैं, शुरू हो गए हैं और उसका डेट जो है आज जब हम वीडियो बना रहे हैं तब से शुरू हो गया है। आप ये देख सकते हैं ESB की आधिकारिक वेबसाइट पर MP एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड, और यहाँ पर आइए, आप रूल बुक पर आप क्लिक कीजिए, आपको ये PDF मिलने वाला है 21 पेजों का। हम इसको बेहतर तरीके से यहाँ पर देखेंगे दोस्तों। शॉर्ट में 1 तारीख से फॉर्म भरने शुरू हो गए हैं, 15 तारीख तक फॉर्म भरे जाने हैं। जो संशोधन करना है वो 20 तक आप कर सकते हैं। ये आप जिस भी रिजर्वेशन कैटेगरी के अंदर आते हैं, जो भी पात्रता है वो उसके अकॉर्डिंग आपको ये पैसे देने हैं, ये पोर्टल का चार्ज देना है दोस्तों। ये परीक्षा 10 नवंबर को आयोजित की जाएगी, रविवार से प्रारंभ होगी, 2 पालियों में होनी है। ये इसका समय आप देख रहे हैं, 1 घंटे का अभ्यर्थियों की रिपोर्टिंग का समय है, महत्वपूर्ण निर्देश पढ़ने का समय 10 मिनट है और उत्तर अंकित करने का समय है 2.5-2.5 घंटे। ये 2 पालियों में ये परीक्षा होनी है और ये कुछ अलग अलग टिप्पणियाँ आपको दे रखी हैं। वेरिफिकेशन के लिए आपका UDA जो है UIDAI लिखा जाएगा, ये इन्होंने यहाँ शॉर्ट में इसको UDA लिखा है, पता नहीं क्यों। वेरीफाई होने पर ये आधार मान्य होगा और इस तरीके से ये सारी चीज़ें जो है शुरू हो गई हैं दोस्तों। मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताना चाहूँगा, मैं भी जब एग्जामिनेशन देता हूँ, ये आप देख रहे हैं इसको जो सत्यापित वेरीफाई करने का ये बता रहे हैं, आप में से कई लोगों ने अपना बायोमेट्रिक जो है बंद कर रखा होगा। ध्यान से उसको घर से आप उसको ऑन कर जाएँ, अगर आप फ़ोन नहीं ले जाते हैं तो, या फ़ोन को सेंटर के बाहर रख देते हैं और आपको लगता है कि बहुत कम समय बचा है, अगर आपने अपने बायोमेट्रिक को बंद कर रखा होगा तो वो बायोमेट्रिक आपका वेरीफाई नहीं करेगा और ये परीक्षा में आपको परेशानी दे सकता है। इसलिए उसको घर पे एक दिन पहले ही उसको अनलॉक कर लें, परीक्षा दें, वेरीफाई कराएं और शाम को आके आप जो है उसको फिर से बंद कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों ये कुछ और चीज़ें हैं, आपको क्या क्या लाना है, ले जाना है, इसको आप आसानी से पढ़ते रहिएगा। हम चलते हैं, यहाँ पर ये पूरी विवरण बुक दे रखी है और इसको मेन चीज़ें दिखाने के लिए पद का विवरण जो है आपको प्राथमिक शिक्षक कहा जाएगा, तृतीय श्रेणी में रखा जाता है। आवेदन पत्र जो है पुस्तिका कर्मचारी चयन मंडल भोपाल एवं विभाग के निर्देशानुसार है और ये भर्ती नियम जो भी जिस भी अन्य सूची में आते हैं वो यहाँ पर दे रखे हैं। आपको जो है मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो इस तरीके से यहाँ पर दे रखी है। आप जो भी तैयारी कर रहे हैं, बहुत से बच्चों को कोचिंग पर या अन्य तरह से ये जानकारी मिल जाती है जो भी यहाँ पर दी हुई है आपको दोस्तों। यहाँ पर जो ये चीज़ें दे रखी हैं कृपया करके ध्यान दीजिएगा, अगर आप पूरा नहीं पढ़ते हैं तो ये जो बोल्ड लेटर में लिखा है इनको आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। विभाग द्वारा भर्ती के लिए जारी विज्ञापन के समय प्रचलित भर्ती नियमों के अनुरूप भर्ती की कार्रवाई की जाएगी। इसी के साथ दोस्तों वेतन क्या रहने वाला है इसको देख लीजिए। न्यूनतम वेतन है 25,300, महंगाई भत्ता जो है आपका इसमें जो भी महंगाई भत्ता चल रहा होगा वो जोड़ दिया जाएगा। ये भर्ती नियम 18 के अनुसार आपको परीक्षा अवधि में वेतन देय होगा, ये उस समय जो आदेश निकला होगा उसके अकॉर्डिंग। इसके बाद दोस्तों ये संचालन के नियम हैं, परीक्षा किस तरीके से संचालित की जाएगी, क्या क्या होगा, आवेदन ऑनलाइन आएंगे, क्या क्या ज़रूरी है आपको परीक्षा हॉल में ले जाने के लिए, काला बॉल पेंट, ये सब आप देख सकते हैं, क्या क्या नहीं ज़रूरी है ये सब आप यहाँ देख सकते हैं। ये सामान्य प्रशासन विभाग के कुछ जो नियम लागू किए गए थे वो यहाँ पर है और ये अभ्यर्थियों को प्रदान की जाएगी। अगर दृष्टिबाधित ऊपरी हिस्से में हाथ से दिव्यांग तथा सेरिब्रल पल्सी से दिव्यांग परीक्षार्थी हैं, ये आप जो भी अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। 3 घंटे की अवधि के प्रश्न पत्र के लिए 60 मिनट, यदि अभ्यर्थी प्रतिपूरक समय हेतु आवेदन करता है तो उसे निम्न अनुसार प्रतिपूरक समय की पात्रता होगी। ये अलग अलग समय जो है यहाँ पर तय किया गया है। एडमिट कार्ड डाउनलोड कहाँ से करना है, आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है, वहाँ पर आपको एडमिट कार्ड मिल जाएगा। मूल्यांकन की पद्धति क्या है, ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है यहाँ पर। और इसी के साथ आपको और जो हम मेन चीज़ बता दें, यहाँ पर शायद ये नॉर्मलाइजेशन के तरह कुछ काम होगा और ये कैलकुलेशन किस प्रकार से होगी, ये कैलकुलेशन आप यहाँ पर बेहतर तरीके से समझ लेना क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अक्सर काफ़ी लोग मेहनत करते हैं और बाद में कुछ कैलकुलेशन के तहत रह जाते हैं तो उनको एग्जैक्ट कैलकुलेशन की जानकारी नहीं होती है। इस नोटिफिकेशन को भी आप सेव कर रखिए दोस्तों ताकि आपके साथ भी कुछ गलत ना हो, आप इसका उपयोग कर सकें क्योंकि ये आपको आधिकारिक वेबसाइट से जो है मिलता है। अगर कुछ UFM बनता है, आप चीटिंग करते पकड़े जाते हैं तो आपके साथ क्या क्या होगा वो यहाँ पर दिया हुआ है। इसी के साथ
परीक्षा परिणाम का प्रकाशन भी आधिकारिक वेबसाइट पर होगा। जब सब कुछ आधिकारिक वेबसाइट पर हो रहा है तो ये भी आधिकारिक वेबसाइट पर ही होगा। आपको क्या लिखा आएगा क्या लिखा नहीं आएगा ये इस तरीके से दिखाया हुआ है इन्होंने। दोस्तों न्यायिक क्षेत्राधिकार जो है वो मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के अंतर्गत रहेगा, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। इसी के साथ ऑनलाइन आवेदन के साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेजों का विवरण यहाँ पर बहुत सारा होगा। फ़ोटो वगैरह जो लगानी होती है, सिग्नेचर लगाने होते हैं, बायोमेट्रिक, क्या क्या अपलोड करना है, क्या क्या अपलोड नहीं करना है, कैसे आप भुगतान करेंगे, ये भुगतान के अलग अलग माध्यम आपको दिए हुए हैं। और बहुत आसान हो गया है अब ये चीज़ें समझना। आप जब आवेदन करते हैं तो आपको स्टेप बाय स्टेप सब समझ आ जाता है। ये ऑनलाइन आवेदन की तारीख, जैसा कि मैं आज वीडियो बना रहा हूँ, शुरू हो चुकी है। भरने के कुल दिवस, ऑनलाइन आवेदन में अगर संशोधन करना चाहते हैं तो वो भी हो जाएगा। परीक्षा का विवरण ये आपको हमने ऊपर दिखाई दिया था। अधिकतम अंक 150-150 रहने वाले हैं। कितनी फ़ीस लगेगी, कितना पोर्टल चार्ज लगेगा, परीक्षा के शहर बड़े ध्यान से पढ़ लीजिएगा दोस्तों। ये मुझे 13 ही नज़र आ रहे हैं और वो भी संभावित हैं, यहाँ पर ये ध्यान से पढ़ लीजिएगा। कुछ शब्द ऐसे होते हैं हिंदी में जो कि लगते हमें बड़े आसान हैं लेकिन उनका मीनिंग बड़ा कठिन होता है। और ये 13 आप देख रहे हैं शहर जहाँ परीक्षा होनी है, संभावित है। ऑनलाइन परीक्षा प्रणाली के संबंध में ये जो निर्देश आपको दिए हैं ये आप आसानी से पढ़ सकते हैं। नॉर्मलाइजेशन किस तरीके से होगा, क्या उसका प्रावधान होगा, ये देखिए UIDAI यहाँ पूरा लिख दिया है। ऊपर शायद कुछ मिस्टेक हो गई होगी टाइप करने में। इसी के साथ दोस्तों यहाँ पर इसको और बायफर्केट किया गया है। परीक्षा की योजना और पाठ्यक्रम क्या है, 150 अंकों का रहेगा, 2.5 घंटे का रहेगा, 1 अंक मिलेगा, नेगेटिव नहीं है। क्या क्या आएगा, बाल विकास, भाषा 1-2, गणित, एनवायरनमेंट स्टडीज से, ये अलग अलग क्वेश्चंस हैं, उनके नंबर हैं। और ये किसको कितना किस तरीके से बताया जाएगा, ये पूरा सिलेबस उन्होंने बता दिए हैं कि 15 प्रश्न यहाँ से आएंगे, ये टॉपिक हैं। और इसी तरीके से आपको ये हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत लैंग्वेज जो भी आप सिलेक्ट करने वाले हैं उसमें से आपको ये मिलने वाला है। ये आपके प्रॉपर यहाँ पर सिलेबस आपको एक प्रकार से बता दिया गया है, बहुत अच्छी चीज़ है। और यहाँ पर दोस्तों ये फ़ोटो का एग्जैक्ट साइज़ दिया गया है। आप लोग घरों में भी मुझे लगता है इसको भर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप कहीं जाएं। बस आपको ध्यान देना है कि ये जो प्री डिफाइन का मतलब होता है कि पहले से तय किए गए मापदंड टेम्पलेट बना दी गई है। 4-5 सेंटीमीटर फ़ोटो यहाँ पर चिपकाएं, 4x5 यहाँ पर हस्ताक्षर करें और यही का यही जो है दोस्तों इसी तरीके से अपलोड होगा। और ये प्रॉपर बताया गया है, ये जो कैपिटल लेटर्स अक्षरों में है इसको, क्योंकि ये मंगल में टाइपिंग की होगी तो ये देखिए यहाँ पर कुछ आपको मिस्टेक दिख रही है, हो सकता है अगर कोई ध्यान दे तो इसको करेक्ट कर ले। लेकिन ये आजकल बड़ा आसान हो गया है इस फॉर्म में भरना। आप लोगों ने पहले भी कई परीक्षाएँ दी होंगी, ये सेल्फ डिक्लरेशन फॉर्म है, ये भी दिया जाता है दोस्तों। तो 21वें पेज पर बॉक्स 3 में आपको दिया गया है सेल्फ डिक्लरेशन फॉर्म। और डिक्लरेशन क्या है, वो ये है कि आपको मैं घोषणा करता हूँ मेरे द्वारा आवेदन की जो भी जानकारी है वो सत्य वगैरह है। यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी किसी भी स्तर पर झूठी, पात्रता मापदंड की आवश्यकताओं अनुसार संतोषजनक नहीं पाई जाती है तो मेरी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है। तो दोस्तों ये था नोटिफिकेशन आपके प्राइमरी टीचर के उसका कह सकते हैं जो शुरू हो गया है। और आपको ये आधिकारिक वेबसाइट पर सबसे ऊपर ही मिल रहा है जहां लिखा है ऑनलाइन फॉर्म। और जब आप इस पर टैप करेंगे तो यहां से शुरुआत होगी आपके ऑनलाइन फॉर्म की। ये देखिए स्कूल शिक्षा विभाग के अंदर आवेदन करने की तिथि, और ये यहाँ पर आपको अलग अलग दिख रहा है। आवेदन करें, इस पर क्लिक कर देना और ये आपका घोषणा पढ़ने के बाद आवेदन करना यहाँ से शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको ये सिलेबस नोटिफिकेशन समझ आया होगा। और इसको शेयर कीजिए जो भी इस परीक्षा को देना चाहते हैं, बैठना चाहते हैं, या जो आने वाले वर्षों में इस परीक्षा को देंगे उनको भी ये अनुभव साझा करना चाहिए कि किस तरह से रूल बुक आती है, क्या क्या बताया जाता है, क्या क्या जानकारी हमें होनी चाहिए। मेरा नाम है विवेक भारद्वाज। थैंक यू।